चलो आ गए। हाँ जी प्रधान जी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को जो संजय मटर मामला था, क्या कुछ कार्रवाई अब तक काम है? देखो जी, सबसे पहला तो मेरा मीडिया कर्मियों भाइयों से राम राम, और मेरी आवाज सुने जो उनको भी राम राम। देखिए, संजय का मर्डर हुआ था 22 तारीख को, फिर हमें कुछ अंधारा वे डेड बॉडी ने सड़क पर रखांगे, पुलिस ने दो तो गिरफ्तार जुए कर लिए, वे सदैव है। फिर हमारी पंचायत गई थी, वे के निर्णय लिया, पंचायत का साथ बहुत तोड़ ढाल का CIA वाले ने बुहार किया, इसलिए उनती गांव में आके बता दिया कि हमारे साथ वहां फाइल बगावे थे, वहां न्यू कहते 306 लेता। देखो हूं तो अनपढ़ हाँ, फिर न्यू सुनया था भाई मनुष्य मरे ग्रह है, कत्ल हो ग्रह है, 302 लागे ग्रह है, 306 नहीं लागे कर दी। इस करके सारा काम बटला हो गया, सारा काम बटला होकर हमने फैसला लिया, वे कल 2 बजे तक पांचवा ने गिरफ्तार करें, और नहीं 2 बजे हम जाम करांगे। क्या तारीख की बात? 24 तारीख की बात। हाँ, फिर वह 24 तारीख आगी, DSP साहब आके, DSP साहब आके बोले वे तमें जाम ना करो, मैंने 24 घंटे का टाइम दे दो, मैं पांचवा ने गिरफ्तार कर दूंगा। आपो तो उसी 5 दोषी बना दिए, आपो फिर दो कह दोषी को नहीं, मैं गिरफ्तार तो करता हूँ, गिरफ्तार करके ये बेरा पटेगा। 24 घंटे के बाद हमने 72 घंटे का टाइम दे दिया, वह 72 घंटे में पांचवा ने गिरफ्तार कर लेता हूँ, पर उसकी 72 घंटे में भी गिरफ्तार नहीं कर सका। फिर आज फिर DSP साहब आए, वह तो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो जाएंगे, वो जाएंगे, कोई भाई। इसलिए मेरा गांव का गुस्सा है, गांव का गुस्सा भी जायज है, ये नवा काम सुने है, और वे तो कहे है वे दोषी है, वो निर्दोष करे है, इसलिए हमारी तो एको मांग है पांचवा नाम की गिरफ्तार करे, और वह जायज मांग दिलवावे। हमने कल ने 18-20 गामा के कमेटी थी, वह भी पहुंचेंगे। मारा गांव का तो 2 बजे का टाइम था, उन्होंने टाइम दुआया था, भाई तत्ता ना कुटो, हम भी त्यारो कावांगे। इसलिए भाई जो भाई मेरी आवाज सुने हैं, वह कमेटी वाले भाई उन्होंने का फैसला है, इवा मैं कल ने जाम 11-12 के बीच लाश कहा, क्यों वो भाई भी पहुंच जाएंगे, हमने कोई चाह नहीं है जाम लगाने का, और कोई छोटी चीज भी नहीं, एक इतनी अत्यावरी है नौजवान की, और कोई मजाक बढ़ रहा हमारा, क्यों बढ़ रहा है मजाक, ये सभी भाई जो सुनेगा वो सोचेगा वह मजाक है। हमने तो 3 के ना लिखाए थे, और 29-5 कर दिए, 5 कर दिए, फिर वह 3 गिरफ्तार कर दिए, तो आगे फिर टाल करे है, या तो कोई राजनीतिक दबाव है, या क्यों हमें सरकारी डूम नहीं है, मैं मुहे किसे की पिटाई करा। DSP पे विश्वास था, यू विश्वास का पात्र था, इस पे तो भी विश्वास उठन लग रहा है, इसलिए बच्चा बच्चा का रोष है, भाई सब रोड पर आवेंगे, हमें रोड पे भाई जड़े एक मेरे और मर जाएंगे, मरना है और के सीधो ना आई,
क्योंकि जरा 900 मैर की सरकार ने 900 और मैर देगी। यह लड़ाई कड़िया भी कुछ होया हमें ओड़े पहुंचे कर दे दुख दर्द में, इमारत दर्द है हमारी आवाज सुनकर वह भाई भी मारा तो रहे जरूर पहुंचेंगे। पूरे तो नहीं सजी हम जाम और भी लाश कहा लावांगे, सबकी सलाह है बैर की कमेटी की है। 5 तारीख ने पंचायत में खड़े होकर डीएसपी ने कहा था मैं पक्का गिरफ्तार कर लूंगा, आज फिर डीएसपी ने टीआर आपके को के कारण लगा आपने क्यों डीएसपी इस प्रकार जो पंचायती बात हो गिरती बात हो उसको भी खड़े नहीं उतरे जी बताओ इसका अभी बात हो गई बताओ है। मैंने तो कह दिया था भाई आपको तो 5 चोर करने वाला आपको 3 चोर करे है तो बता कारण के है। वो बोला मन लगते को नहीं क्या तो नहीं लगते बिना गिरफ्तार करे कह तो बतला रहे उनका के कैस का मीटिंग है। डीएसपी साहब ने कहा था उस समय जब मौत हुआ जी कुछ गलतियां रही है तो मुझे माफ कर दो, माफी भी मांगी थी बीच में बड़ी पंचायत के अंदर और कहा था अबे आप 306 नहीं 302 होगी और 5 × 5 आप 3 दिन कह रहे हो मैं 24 घंटे के अंदर ये एक दिन में ही करूंगा तो आज क्या हुआ मतलब आज क्या फैसला अपने जो फैसला था उनसे पलट रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं जी? आज ये कह रहे हैं कि भाई मैं दोषी को नहीं मैं दोषी नहीं तो उनकी लिया तो गिरफ्तार तो कर मारी तो मांग नहीं थी मैं 500 गिरफ्तार कर हमें जिंदर ना ठावांगे वो डाल मटोल ही करके भी क्या करेगा वो तो हो जाने। तो प्रधान जी चलो दोषी है नहीं दोषी है तो गिरफ्तार कर लिए नहीं कर लिए अगर गिरफ्तार कर लिए तो कम से कम पंचायत तो एक बार रूबरू करवा भाई आखिर कारण घटना का कारण के रहा पंचायत के तो देखूंगा तो ले नहीं सकता ना यहाँ नहीं वहाँ वहाँ तो जाओगे 5 आदमी मारे देख कहेंगे पूछ कहेंगे जिंदर ना उठेगा अबे आगे गिरफ्तार कर लिए बात आई है। तीन करेंगे गिरफ्तार दो लड़की रह रही है ऐसा है जी 500 को गिरफ्तार करने की कही थी डीएसपी साहब ने तो अब वो कह रहे हैं कि ये इनका दोष कम है और लड़कों का दोष ज्यादा है। भाई जो मर्डर हो गया उसमें दोषी साथ वाला इतना ही दोषी होता है जितना ही मर्डर करने वाला होता है तो उनका दोष कैसे कम हो गया जी? और उनके पास नोटिस पे नोटिस भेज रहे ऐसे थोड़े होता है जी, कोई 3-5 दिन हो गए जी उनके पास नोटिस भेजने कौन सी बात है जी? लड़कियों पास तो कोई घर पर कोई नोटिस थोड़े भेजना होता है जी, गिरफ्तार कर लियो उनको, गिरफ्तार करके यहाँ पर लाओ तो वही दोषी तभी दोषी दोगा जी। ऐसे थोड़े सी डीएसपी कहते दोषी है तो दोषी है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे थोड़े तहसील से ये तो डीएसपी साहब गलत कह रहे हैं जी। आज डीएसपी साहब ने पहले तो विश्वास में लेकर अंतिम हाँ जी बिल्कुल आज अपने बयानों से पलट गए जी डीएसपी साहब। वो बोले कि उनके ऊपर नादारा लग दी कोई ऐसी और वो ना उसको हम अभी दोषी सिद्ध कर सकते, जब आपने भाई वो मर्डर में शामिल कर दिए तो वो दोषी नहीं है, दोषी साथ देने वाला भी इतना ही दोषी होता है जितना करने वाला होता है, लेकिन वो उसको निर्दोष साबित कर रहे हैं जी, ऐसे थोड़े होते हैं। मतलब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया उनका कोई कसूर नहीं। हाँ जी आज साफ तौर पर कहे जी आपको जो करना है करो वो दोषी नहीं है। एक और बात बोली थी कि जो दो पकड़े गए हैं वो रिमांड पे ले जाऊंगे और उनसे पूछताछ करी तो क्या कुछ उनसे पूछताछ ना अभी तक हमारे को पता जी उनसे पूछताछ हुई है ना भी हमें पता कि उनका रिमांड ले लिया है ना भी पता है जी ये तीसरा व्यक्ति अभी वो तीसरा लड़का तो वो अभी गिरफ्तार हो रहा है या ना हो रहा है, ये गुमराह कर रहे हैं जी, ये बार बार बयान पढ़ रहे हैं डीएसपी साहब से, इसमें या तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो जी या कुछ और हो जी ये तो डीएसपी साहब ही बता सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर की बात आवे जी बार बार तो जो लोग यहाँ आरोपी हैं ऐसा क्या बैकअप है उनका? देखो जी कोई भी अगर आप हम कोई भी अपराध करते हैं तो अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं जी, और पॉलिटिकल रिलेशन ऐसा नहीं है किसी आदमी का नहीं है, सबका रिलेशन होता है जी पॉलिटिकल, तो उस पॉलिटिकल का शायद वो फायदा उठा रहे हो जी, और ऐसी कोई बात नहीं होती जी। डीएसपी साहब आके कहते हैं 5 दोषी और कल 2 दिन बाद आते कह रहे जी भाई मतलब ये 2 लड़कियां निर्दोष है, ऐसे थोड़े होते हैं। सोमवार कंप्लीट हो गया, 3 दिन का टाइम दिया था जी, 3 दिन उसने बल्कि 24 घंटे लिए थे डीएसपी साहब ने, 24 घंटे में 500 को ही गिरफ्तार करके मैं पेश कर दूंगा जी, लेकिन आज वो डीएसपी साहब आया कि बोले मतलब दोषी नहीं है, उसको दोष मुक्त कर रहे हैं जी लड़कियों बिना गिरफ्तार किए जी, पहले गिरफ्तार करो जी दोष मुक्त तो तभी होगा अगर कोई गिरफ्तार होगा जी, ऐसे बिना रिमांड के वैसे हो जाएगी जी कोई दोष मुक्त।
ये तो डीएसपी साहब आज गुमराह करके तो चले अभी गए जो जी। फैसला लेना था आपने कल के लिए वो ले लिया है। अभी तो जी कमेटी फैसला लेगी जी, कल को सारे गांव की कमेटी आओगी जी और जाम लगाने का फैसला लिया है जी। बाकी जी जो कमेटी हमारे आस पास के गांव थे जी, वहां से लोग आए हुए थे, उनको कल को कमेटी में लेके जी जो फैसला होगा जी, 12 बजे का होगा, 2 बजे का होगा, तो कल को जाम लगेगा जी।